अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ऐसा कभी होता हो तो क्या हो। तो यही हालत है केजरीवाल जी की, अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा, चाहे शराब हो या फिर आब हो, पीने का पानी हो, हर जगह भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, घोटाले ही घोटाले सामने दिख रहे हैं। गलती से ही सच बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। निचली अदालत से मिली उनकी बेल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी के एतराज के बाद फैसला सुनाए जाने तक उस पर रोक लगा दी है। इस पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी के नेता शाजिया इल्मी ने सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले और आप नेता आतिशी को आप यानी पानी को लेकर उनके शुरू किए गए अनशन पर जमकर घेरा। देखिए, असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है वो कई दिनों तक और कई हफ्तों तक और कुछ सालों तक बनी रहेगी। असमंजस की स्थिति यह है कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ऐसा कभी होता हो तो क्या हो। तो यही हालत है केजरीवाल जी की, अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा, क्योंकि जो केसेस हैं, जो चार्जेस हैं, जो इल्जाम हैं और जिस तरह के सबूत हैं, वो पुख्ता हैं। बाकायदा स्कैम हुआ है, जो एक्साइज का जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला है, शराब की बिक्री हुई है, हवाला ऑपरेटर्स हैं, साउथ के ग्रुप को बाकायदा प्रॉफिटियरिंग के लिए उनको ये ठेके दिए गए हैं, सब ठेकों को प्राइवेटाइज किया गया है सरकारी पॉलिसी के विरुद्ध, और जो ठेके में बिक्री करके एक्साइज को फायदा नहीं हुआ है, स्टेट ट्रेजरी को फायदा नहीं हुआ है, आम लोगों को फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान हुआ है। फायदा किसका हुआ है? शराब के विक्रेताओं को और जो थोक में काम कर रहे हैं, यानी कि होलसेलर्स को और शराब कंपनियों को। तो ये साफ जाहिर है, इसी की वजह से मनीष सिसोदिया इतने दिन तक जेल में है, इसी की वजह से चाहे वो विजय नायर हो या मगुंटा रेड्डी हो, उनसे पूछताछ की गई है, चाहे वो दिनेश अरोरा हो या अमित अरोरा हो या जो भी हवाला ऑपरेटर्स हो, उनके साथ पूछताछ हुई है कि कविता अभी भी जेल में है। तो जाहिर है बहुत बड़ा केस तो ये है। अब उनके तार केजरीवाल से किस तरह जुड़े हैं, केजरीवाल खुद संयोजक हैं, पूरे पार्टी के हेड हैं, और बाकायदा ये पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है, कैश में इस्तेमाल हुआ है पूरा पैसा, तो जाहिर है कब तक भागेंगे। तो ये अंदर बाहर, बाहर अंदर, जेल से बेल, बेल से जेल की जो स्थिति इनकी है, ये बनी रहेगी। ये आज की बात नहीं है सिर्फ। जितना न्याय व्यवस्था का अपमान केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने एक बार नहीं, कई कई बार किया है, मुझे लगता है उनको इसके लिए ना सिर्फ शर्मिंदा होना चाहिए बल्कि माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनको बेल मिली सिर्फ प्रचार करने के लिए, जिस तरह से कल भी ट्रायल कोर्ट ने बेल दी, साफ जाहिर है कि कोई दुर्भावना उनके खिलाफ नहीं है।